दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि और अब आगे। अबे ओ पंडित, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मेरी उस चुड़ैल से शादी करा रहा है? गोपी रुक, तो कहां भागा जा रहा है? अभी के अभी माँ को लेकर उस पंडित के पास जाना है, कहीं वो पंडित सच में उस चुड़ैल के साथ मेरी शादी ना करवा दे। रुक गोपी, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। कल मेरी शादी है। चुड़ैल अपनी ही खुशी में हवा में उड़ती हुई जा रही थी। बहुत दूर उड़ने के बाद वह एक जंगल में प्रवेश करती है। कल मेरी शादी है, हाँ हाँ कल मेरी शादी है। क्या बात है, आज तो चुड़ैल रानी बहुत ही कुछ नजर आ रही हो, और आज खाली हाथ ही आई हो, कोई शिकार नहीं मिला क्या? क्या बताऊँ भूत राजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरी शादी है और तुमको भी कल मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरी शादी में। क्या, और तुम्हारी शादी है? मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें दूल्हा कहाँ से मिला, और क्या वो तुमसे शादी करने के लिए राजी भी हो गया? क्यों नहीं होगा, अरे तुम क्या जानो, मैं जिसको एक बार बोल दूं वो मुझे मना नहीं कर सकता शादी के लिए। बेचारा करेगा भी कैसे, तुम तो उसको कच्चा ही चबा कर खा जाओगी। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है तुमको भूत राजा, अब मैं चली। और यहां बेचारा गोपी बड़ी ही दुविधा में फंसा था अपने घर पहुंचकर। मां मां, क्या बात है गोपी, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? माँ, आज एक चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया और वो कल मुझसे शादी करने आ रही है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है तू गोपी? माँ मैं एकदम सच बोल रहा हूं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो किसना से पूछ लो। हाँ काकी, गोपी बिल्कुल सच बोल रहा है। और किसना सारी बात विस्तार से गोपी की माँ को बता देता है। सारी बात सुनने के बाद गोपी की माँ सोच में पड़ जाती है और उसको पंडित की कही हुई बात याद आती है। इस कुंडली में सब कुछ ठीक है, बस एक जगह एक मुसीबत आएगी, लेकिन आप घबराना नहीं। जब भी कोई ऐसा कठिन समय आए, आप बिना एक भी पल गवाए मेरे पास आ जाना। माँ चलो हम अभी उस पंडित के पास चलते हैं, उसी ने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। हाँ गोपी, उसी के पास चलते हैं, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम अभी सो जाओ, हम दोनों कल सुबह होते ही पंडित जी के पास चलेंगे। गोपी अपनी माँ के साथ पंडित के पास यानी कि लखनपुर गांव की तरफ चल देते हैं। पंडित जी मंदिर के अंदर बैठे हुए थे। गोपी और उसकी माँ पंडित जी के समीप जाते हैं। पंडित जी, अब आप ही हमको बचा सकते हैं। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? पंडित जी, परेशानी की तो बात है, और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। गोपी रात का सारा किस्सा पंडित जी को सुना देता है। सब कुछ सुनने के बाद पंडित जी बोलते हैं, बेटा गोपी, ये सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये सब तुम्हारी कुंडली में लिखा है, और उसमें ही ये लिखा है कि तुम्हारी दो शादियां होंगी, और पहली शादी एक चुड़ैल से होगी। क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी, चुड़ैल से शादी? अब मेरा क्या होगा पंडित जी? गोपी, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और इसमें भी कोई ना कोई अच्छी बात छुपी हुई है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, एक चुड़ैल से शादी करने में
क्या अच्छी बात छुपी होगी। हां गोपी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि उससे शादी के बाद ही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हां पंडित जी, एक चुड़ैल से शादी के बाद बदलाव नहीं आएगा तो और क्या आएगा जिंदगी में। गोपी, बाकी सब तो समय के साथ ही पता चलेगा, तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। उसके बाद पंडित जी गोपी की मां को भी समझाते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गोपी अपने बिस्तर पर लेट जाता है। आलसी तो वो था ही, इसलिए बिस्तर पर लेटने के बाद उसको नींद आ जाती है। दिन ढल जाता है और अब अंधेरा होने लगता है। चुड़ैल भी सज धज कर तैयार हो जाती है। आज तो मेरी शादी है। चुड़ैल को हंसता हुआ देखकर भूत राजा भी वहां पर आ जाता है। चुड़ैल रानी, शादी करने के लिए तैयार हो गई तुम? हाँ भूत राजा, मैं एकदम से तैयार हो गई। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलेंगे। यहाँ आलसी गोपी तो मजे से सो रहा था, तभी उसके पास उसका दोस्त किसना आता है और वह गोपी को जगाता है। गोपी, तू अभी तक सो रहा है? वो चुड़ैल आती ही होगी तेरे साथ शादी करने के लिए। ये सुनकर गोपी का सारा आलस भाग जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। किसना, अब मैं क्या करूं? उस पंडित ने तो बोला था कि इस चुड़ैल से शादी करने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन मैं इस चुड़ैल से शादी नहीं कर सकता। लेकिन गोपी, तेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है? रास्ता है किसना, मैं यहां से किसी दूसरे गांव भाग जाता हूं। वो चुड़ैल मुझे यहां पर ढूंढती रहेगी और मैं कहीं और चला जाऊंगा। चल जल्दी से भाग तू भी। गोपी और किसना दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं और वो दोनों गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर भाग रहे थे। तभी उसको सामने से वो चुड़ैल उस भूत के साथ आती हुई दिखाई देती है। उनके पीछे पीछे पंडित जी भी आ रहे थे। मुझसे दूर भाग कर जाने की सोचना भी मत अब तुम। नहीं, मुझे छोड़ दो। अबे ओ पंडित, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? तू ही क्यों नहीं कर लेता इस चुड़ैल से शादी? बहुत नानुकुर के बाद आखिर में गोपी को उस चुड़ैल से शादी करनी ही पड़ती है। पंडित जी गोपी की शादी उस चुड़ैल से कराना आरंभ कर देते हैं और गोपी के हाथ में एक डोरी बांधते हुए गोपी को चुपके से बोलते हैं। गोपी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये डोरी तुम्हारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। ये अभिमंत्रित डोरी है। जब तक ये तुम्हारे हाथ में बंधी रहेगी, ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकेगी। कुछ ही देर में गोपी और उस चुड़ैल की शादी पूरी हो जाती है। अब हमारी शादी हो गई। अब मैं तुमको कुछ शक्तियां दे रही हूं, जिनकी मदद से तुम भी मेरी तरह हवा में उड़ सकोगे और मेरे साथ मेरे रहने के स्थान पर भी प्रवेश कर सकोगे। चुड़ैल गोपी में अपनी शक्तियां प्रवेश करा देती है। कुछ ही देर में चुड़ैल, भूत व गोपी तीनों हवा में उड़ते हुए चले जाते हैं। उड़ते हुए वो सबसे पहले अपनी चुड़ैल नगरी में पहुंचती है और वहां अपने रहने के स्थान पर गोपी के साथ पहुंचती है। वहां पर गोपी देखता है कि एक खंभे के साथ एक लड़की बंधी हुई होती है। उसके पास पहुंचकर चुड़ैल उसको बोलती है। देख ले परियों की शहजादी, आखिर मेरी शादी हो ही गई ना, कितने सुंदर नौजवान से। इसका नाम गोपी है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि अपने भाई से मेरी शादी करा दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और तेरी इसी जिद की वजह से तेरे भाई को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। मार तो मैं तुझे भी देती, लेकिन मैं तुझे दिखाना चाहती थी कि मेरी भी शादी होगी, और देखो मेरी शादी हो गई। अब तेरा भी मरने का नंबर आएगा। पहले मैं एक बार गोपी के साथ अपनी चुड़ैल गुरु का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। चुड़ैल गोपी को लेकर अपनी चुड़ैल गुरु के पास जाने लगती है। गोपी मन ही मन सोच रहा था, इस चुड़ैल से किस तरह छुटकारा पाया जाए। इसके लिए मुझे इस परियों की शहजादी को इस चुड़ैल की कैद से मुक्त करना होगा। सही मौके की तलाश करता हूँ। चुड़ैल गोपी के साथ चुड़ैल गुरु के स्थान पर पहुंच जाती है। चुड़ैल गुरु, प्रकट हो। देखो
आज मैंने शादी की है। बिजलियों के कड़कने की आवाज आने लगती है, फिर चुड़ैल गुरु प्रकट होती है। चुड़ैल गुरु अपना आशीर्वाद दो। चुड़ैल गुरु आंखें बंद करके गोपी को आशीर्वाद दे रही थी कि तभी वो अपनी आंखें खोलती है और गुस्से में बोलती है, मूर्ख चुड़ैल, ये तूने क्या किया? क्या तुझे यही एक इंसान मिला था शादी करने के लिए? क्या हुआ चुड़ैल गुरु, आखिर इसमें क्या खराबी है? यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा मूर्ख चुड़ैल, यदि अपनी सलामती चाहती है तो इसको अभी खत्म कर दे। इससे पहले कि वो चुड़ैल उस पर हमला करती, गोपी ने वहां रखा सारा सामान उठाकर चुड़ैल के ऊपर गिरा दिया और वहां से भाग गया। गिरते गिरते चुड़ैल ने भी गोपी पर हमला किया, लेकिन उसके हाथ में बंधी उस डोरी की वजह से उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची। गोपी सीधा उस कमरे में पहुंचता है जहां पर परियों की शहजादी कैद थी। गोपी ने उसको आजाद किया और फिर वे दोनों भागने लगते हैं। गोपी जल्दी से भागो यहां से, चुड़ैल भी उन दोनों पर हमले शुरू कर देती है।